नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और अलवर के सरिस्का से एक बाघ भाग गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन चुका है। ये बाघ 4 लोगों को जख्मी कर चुका है। सवाल यह है कि आखिर बाघ जंगलों से क्यों निकल रहे हैं और क्यों ये इंसानों पर हमले कर रहे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर डराने और विचलित करने वाली है। ये मामला अलवर के सरिस्का का है, जहां पर जंगल से भागे एक बाघ ने 4 लोगों को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। चिंता इसलिए है क्योंकि ये वही बाघ है जो कुछ महीने पहले भी भागकर हरियाणा के धारूहेड़ा चला गया था और बाद में वापस आ गया। सरिस्का में बढ़ते बाघों की संख्या के बाद अब वन्य जीवों का विचरण भी बढ़ता जा रहा है। सरिस्का का क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में भी बफर एरिया में बाघों की टेरिटरी लगातार बनी हुई है, लेकिन बाघ का यहाँ से बाहर निकलना अब चिंता का विषय बन चुका है। नर बाघ जो एक दूसरे को आपस में टेरिटरी को लेके इनमें झगड़ा रहता है, तो इस तरह का इश्यू जरूर आ सकता है। लेकिन एरिया जहाँ ये रह रहा था वो बफर एरिया में ही था और काफ़ी बड़ा एरिया था, कम से कम 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था जहाँ ये रह रहा था। तो और काफ़ी 6-7 महीने से यहीं रह रहा था। तो पूर्व में ये जिस रूट से अभी गया है उसी रूट से ये पहले भी जा चुका है, तो ये एक अपने उसको टेरिटरी मानता है, उसको मानते हुए घूम फिर के वापस आ जाता है। पहले भी ऐसा ही हुआ था, ये 10-15 दिन बाहर रह के फिर वापस उसी जगह आ गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाघ 7 महीने पहले भी 2 जगहों पर हमला कर चुका है। उस हमले में एक वन कर्मी और एक किसान घायल हो गया था। यानी कहीं न कहीं इस बाघ को इंसानों के शिकार की लत लग चुकी है और इसी की तलाश में वो बाहर निकलकर लोगों पर हमले कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर बाघ बफर जोन से बाहर क्यों निकल रहे हैं। तो जानकार बताते हैं कि जंगल का दायरा कम हो रहा है, बफर जोन में घास कम हो रही है और घास कम होने से शाकाहारी जानवर भी कम हो रहे हैं। बाघों को भोजन की दिक्कत हो रही है और इसीलिए शिकार की खोज में वो अपने बफर जोन से बाहर निकल रहे हैं। बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटी भी बढ़ रही है और बफर जोन बस्तियों के नजदीक आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बाघों को रहने की जगह भी कम पड़ रही है। कई जगहों पर क्षमता से अधिक बाघ हैं। जगह कम होने की वजह से इन बाघों में टकराव बढ़ रहा है और इस संघर्ष में बूढ़े बाघों की मौत हो रही है। कमजोर बाघ अपनी टेरिटरी छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। आपको बताते चलें कि एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी कितनी होती है, या यूं कहें कि एक बाघ को रहने के लिए कितने एरिया की जरूरत होती है। तो जानकारी के मुताबिक एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर होती है। एक बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर होती है। एक बाघ और बाघिन को 50 वर्ग किलोमीटर एरिए की जरूरत पड़ती है। जो जो टाइगर की संख्या बढ़ रही है, उनको रहने का जो रहवास है, उनका जो प्राकृतिक नेचुरल हैबिटाट है, उस पर तेजी से अतिक्रमण हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो इतना तेजी से हुआ है कि टाइगर रहेंगे कहाँ, यही मेरे लिए और हर नेचर लवर के लिए बड़े चिंतित कारण है। आप देख रहे हैं कल टाइगर बाहर निकला, उससे पहले ये टाइगर बाहर निकला, और फिर मानव प्लस वन्य जीवों का संघर्ष तेजी से बढ़ेगा। और हमेशा ये हुआ है कि जब संघर्ष बढ़ता है तो वन्य जीवों को नुकसान होता है। मतलब हर कोई अब ये कहेंगे कि ये मैनिटर्स हो गया या इसे यहाँ से हटाइए। तो मूल रूप से जो सरिस्का का जंगल है उसमें जो एनक्रोचमेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट हो, उस पर जब तक रोक नहीं रहेगी तब तक हमारा मानव और जंगली जानवरों का संघर्ष बढ़ता रहेगा। अब सवाल ये है कि आखिर बाघों को संरक्षित इलाकों में रोकने के लिए क्या करना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंगलों का दायरा बढ़ाने से मदद मिल सकती है। जंगलों के अंदर निजी रकबे भी हैं, रकबों का सेटलमेंट करना जरूरी होगा। वहीं बफर जोन को भी बढ़ाना होगा और टाइगर के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाना होगा, ताकि कॉरिडोर से बाघ
कहीं भी बिना खतरे के आ जा सके। मानवीय दखल होने की वजह से टाइगर की उस पर असर पड़ा है सबसे ज्यादा, तो नहीं 2066-65 तक तो टाइगर 38 टाइगर हुआ करते थे सरिस्का में, जबकि इतनी एडवांसमेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी नहीं था, ना फोटो स्टेट कैमरे या कैमरे लगे हुए थे, ना इतने ये जो टावर बनी हुई है ये नहीं थी, कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ एक ACF रैंक का आदमी के वार्डन हुआ करता था, वो वाइल्ड लाइफ चलाता था सरिस्का में। उस वक्त टाइगर नहीं निकले सरिस्का में से बाहर। आज ऐसी क्या स्थिति होगी मानवीय दखल की वजह से कि टाइगर जंगल छोड़ छोड़ करके देहात में निकल रहे हैं, और मंडावर में जो निकल गया टाइगर और उसने कोई हरकतें भी की हैं ऐसे सुनने में आया है, तो ये गलत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, CCF नहीं है, प्रॉपर DFO नहीं है, छुट्टी चल रही है, ACF नहीं है हेडक्वार्टर पे। मतलब ये कि बाघों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पर वन विभाग को काम करना होगा। NDTV राजस्थान के लिए अलवर से मुरित गौर की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ चुके होंगे किस तरीके से यहां पर लोगों की समस्याएं इस वजह से बढ़ चुकी हैं। बाघ बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके के सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या यहां पर व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है जिस वजह से बाघ बाहर निकल रहे हैं, आदमखोर क्यों होते जा रहे हैं बाघ, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे कराते हुए चलेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि बाघों को जंगल में रोकने के लिए अब क्या करना होगा। तो चलिए सबसे पहले परिचय कराते हैं, हमारे साथ सुनील शनवार जी हैं, पूर्व फील्ड निदेशक है सरिस्का के, बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश सिद्ध जी हैं, पर्यावरण प्रेमी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। नरेंद्र सिंह है, वन्य जीव विशेषज्ञ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सुनील शर्मा जी से करना चाहूंगी। सुनील शर्मा जी, ये जरा बताइए कि सरिस्का में बाघों के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं वाजिब हैं, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ और सुधार करने की जरूरत है वहां पर? देखिए ऐसा है कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें समस्या तो लगभग सब जगह ही होगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। अभी लोकेश जी ने अलवर वाली रिपोर्ट में कहा था एनक्रोचमेंट, मैं मानता हूं ये कि बड़ा इश्यू है एनक्रोचमेंट का। एक एनक्रोचमेंट का एक और शक्ल है, वो है ग्रेजिंग। जब ग्रेजिंग होती है किसी एरिए में, तो जैसे कि आप ये मानिए कि आपका एरिया, आप कहते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इतने टाइगर आ जाएंगे, जो भी आप नंबर आप अपने हिसाब से समझते हैं। लेकिन अगर उसका 300-400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी 30-40% एरिया अगर ग्रेजिंग में चला गया, तो इफेक्टिव एरिया कितना है आपके पास में, यानी पॉपुलेशन जो आप एस्टिमेट कर रहे हैं उससे 60% ही रह सकती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और अभी मैं देख रहा हूं कि पिछले एक दशक से वहां ग्रेजिंग बहुत बढ़ी है, खासतौर से नेशनल पार्क एरिया में। एक बहुत जबरदस्त बात यह है कि आप जो इसका जो नेशनल पार्क का जो एरिया है, जो कोर वन का एरिया है, जो प्रमुख एरिया है जी, जो जो इसका सदर्न एरिया है जी, जिसमें के आप सरिस्का रेंज है, अकबरपुर रेंज का पार्ट है, टेला रेंज का पार्ट है, जो मेन एरिया हुआ करता था, वहां पे ब्रीडिंग नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा ब्रीडिंग? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। ग्रेजिंग उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ट्रैफिक उसका एक दूसरा बड़ा कारण है। ये जब इनको मिटिगेट नहीं करेंगे तो अब सारा नॉर्थ में ब्रीडिंग हो रहा है। नॉर्थ एक पतली सी पट्टी है, वो चौड़ा पट्टी नहीं है, पतली पट्टी है वो नॉर्थ की, तो वो उसमें से उस एरिया में से इसलिए बाहर जाता है, उसको तो टेरिटरी चाहिए। जब टाइगर का बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए वन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब ट्वीट करते हैं, बड़ा खुशी जाहिर करते हैं, बड़ा ग्रेट काम हो गया। कोई सोचता है कि ये बड़ा हो गया, अभी 1.5-2 साल में इसको टेरिटरी चाहिए, ये कहाँ जाएगा? उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये एक कैसा मैनेजमेंट है? ये इल मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कारण है इसका, एनक्रोचमेंट एंड ग्रेजिंग, ऑफकोर्स ट्रैफिक टू, ये तीन एक इसके बहुत बड़े कारण है। इनको मिटिगेट करेंगे तो ही आप इस पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं, वरना पॉपुलेशन कैसे संभालेंगे? बाहर जाती है, लोकेश जी ने बहुत अच्छा कहा, कन्फ्रंटेशन होगा,
कन्फ्रंटेशन होगा तो हारेगा कौन? भाई वोटर तो है नहीं टाइगर आपका, तो उसके साथ तो कोई खड़ा होने वाला है नहीं, तो फिर हल्ला मचेगा, गांव वालों को नुकसान कर दिया। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी समझते हैं इस बात को, सेंसिटिव होना ही चाहिए उसके लिए, लेकिन आपने इंतजाम नहीं किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मरा बेचारा टाइगर ही जाएगा, ब्लेम किसको लगेगा? टाइगर को लगेगा। सो दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, एक बार चलते हैं नरेंद्र सिंह के पास। नरेंद्र जी, आपने सुना जिस तरीके से सुनियान जी ने बताया है कि जो जो कमियां हैं उस पर इस वक्त जरूरी है कि ध्यान दिया जाए, तभी ऐसी घटनाएं कम हो सकती हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या बाघों के यहाँ से भागने के कारण पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है, या मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा होने की वजह से बाघ वहां से भाग रहे हैं, क्या कुछ कारण आप देख पा रहे हैं? मानव हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है एरिया में, इसकी वजह से तो पहला कारण है कि बाघ भाग रहे हैं। दूसरा, ग्रेजिंग एरिया होने की वजह से पहाड़ों में लिमिटेशन लेकर रह गई बाघ को, वो अपनी टेरिटरी बढ़ा नहीं पा रहा है। तीसरा कारण है कि रिलोकेशन का जो कार्यक्रम है बड़ा सुस्त है सरिस्का में, 8-10 साल से रिलोकेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्रॉपर रिलोकेशन नहीं हुआ है, इस वजह से गाँव अब भी उसके अंदर बसे हुए हैं। ऐसी मेरी मान्यता है कि इनको अगर निकाले जाए तो बाघ को वहाँ रहने के लिए काफी सुविधा मिलेगी जंगल में। और इसका मूल कारण मैं ये भी मानता हूँ कि बफर एरिया का एरिया बढ़ाना चाहिए ताकि बाघों को फ्री मूवमेंट के लिए जगह मिल सके। बिल्कुल ठीक है, एक बार राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, जो ये घटना सामने आई है, कई लोगों को इससे नुकसान भी पहुंचा है, चिंता का विषय है, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है जो इस तरीके की घटना हुई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है ताकि आगे से इस तरीके की घटना ना हो सके? अभी मैं रिपोर्ट भी देखा, आपकी रिपोर्ट के आधार पर भी और एक्सपर्ट्स को बताइए, उन बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इसमें जो सबसे बड़ा जो मूल विषय पर जाना चाहिए कि सरिस्का क्या पर्यटन के लिए है या पर्यावरण के लिए, ये मुद्दे की बात है। इन्होंने इसको पर्यटन का जरिया बना रखा है, केवल मालवीय दखल, नए नए पर्यटक जो आ रहे हैं उसके लिए होटल्स और उनकी सुविधा पे तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारे जीव है उनकी वजह से फनार फ्लोरा है उनका सत्यानाश करने के लिए पूरा प्रशासन अपने पूरे मनोयोग से लगा हुआ है, जबकि उनका कार्य यह था पर्यावरण बचाना, सरिस्का बचाने की बात करनी चाहिए। वहां होटल माफियाओं के समर्थन में लोग खड़े होते हैं, जो आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है। अब जैसा मान बात अभी एक्सपर्ट्स हमारे सुनील जी ने कहा, उनमें ग्रेजिंग एरिया बढ़ रहा है, समस्या आ रही है, वहां एनक्रोचमेंट की समस्या है, बफर जोन तो आपने बढ़ाया इतना बड़ा, बफर जोन में भी उसी तरह की समस्या है, एनक्रोचमेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने निर्देश दिए, 54,000 जो बीघा जमीन है वो आज तक वन विभाग अपने पास छड़ा नहीं पा रहा, उसमें तो बात नहीं कर रहा है। एक टाइगर पैदा होता है जैसे सुनील जी ने कहा, उसकी श्रेय लेने के लिए तो सब लोग अपनी फोटो छपवाते हैं, लेकिन जब टाइगर पे या किसी जीव पे जो घटनाएं घटती हैं या फॉरेस्ट एक्ट में जो कोई संशोधन की बात होती है तो ये सब साइलेंट हो जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं होटल माफियाओं से भी कहीं ना कहीं गठजोड़ की बात है, इसको हमको बहुत सोचना पड़ेगा। ये टाइगर आखिर निकला क्यों? इनके पास जैसा बता रहे हैं इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ये आए दिन कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी हमारी गश्त की व्यवस्था है, अच्छे हमने कैमरे लगा लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कैमरे आपके पास थे, आपके पास ट्रू कॉलर लगे हुए, इतनी इलेक्ट्रॉनिक साधन थे, उसके बावजूद उसने अपनी टेरिटोरी छोड़ी, तब आपने आपका प्रशासन क्या कर रहा था, क्या उसकी सूचना? ये सूचना ग्रामीणों ने जब ग्राम पहुंच गया उसके बाद दे रहे हैं। अच्छा था आपकी गश्त व्यवस्था, आपका जो पूल वन विभाग का प्रशासन और जिला प्रशासन पूरा सोया हुआ है, दूसरी बार की घटना रिपीट घटना हो रही है, इसका इससे असलियत में आप जांच करोगे तो पता लगेगा सरिस्का में जितने भी एनक्रोचमेंट है उसमें 50% लोगों में वो लोग शामिल मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इसी सरिस्का में कार्यरत रहे हैं। वन अधिकारी तक उन्हें वहां पर एनक्रोचमेंट्स किए हुए हैं, अपने रिसोर्ट्स का निर्माण किया है। उन लोगों पर जब तक उनको जांच प्रशासन और सरकार नहीं अपनी शक्ति बरतेगी, तब तक मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे वन जीवों को हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और ब्लेम सही बात है कि उन वन जीवों पर आएगा, क्योंकि वोटर नहीं है, वोटर और जो है वो उस तरह के लोग है, फंडर नहीं है, क्योंकि जो पर्यटक जो एनक्रोचमेंट है वो फंडर है, वो इन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों को ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार है, प्रशासन है, इनकी मिली भगत है, वनजीव की मिली भगत नहीं बेचारे की, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है और ये कहते हैं वो बाहर निकल गया,
वो बाहर नहीं निकला, मानवीय दखल उनके इलाकों में किया, एनक्रोचमेंट किया है, इसलिए उसको मजबूरी में आपके इलाके में आना पड़ रहा है, अपने आप को सेफ्टी के लिए आना पड़ रहा है। इन सब चीजों पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ जिला अभी भी अगर सरिस्का नहीं बचे, यहाँ से केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों इसी जिले से हैं और उसके बावजूद भी वो अपने कार्यक्रमों में तो व्यस्त रहते हैं, निश्चित रूप से रहना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम तो उनकी मूल रूटी है वो कर्म भाव ये है कि आपको सरिस्का बचाने की बात है, इसको नेशनल पार्क घोषित चाहिए और इस बफर जोन को बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने राजेश जी, बहुत ही तार्किक बात थी ये। अब इस पर मैं जोड़ना चाहूंगी मनु सिंह जी को। मनु जी, आप सुन रहे थे राजेश जी ने जिस तरीके से ये बात कही है कि जरूरत है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर वन्य जीव सुरक्षित है, इस पर ध्यान देने की सरकार को। हालांकि तमाम दावे और वादे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, यहाँ पर तमाम सुविधाओं को लेकर कही जाती है, लेकिन पर्यटन पर सबसे ज्यादा फोकस है, इस पर फोकस नहीं है कि यहाँ पर बाघ सुरक्षित है, क्या उन्हें परेशानी है, क्यों यहाँ से बाघ भाग रहे हैं, इस पर कोई निगरानी नहीं हो रही है। देखिए, मैं राजेश जी ने जो बात कही उसको शब्दशः उसका समर्थन करता हूं जी, और जी, आपको भी साधुवाद देता हूं कि आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। अभी हफ्ता भर पहले मैं एनडीटीवी के स्टूडियो में दूसरी चर्चा पर भी था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि हाँ, निजी वाहन पूरी तरह से उनका निषेध होगा और पांडुपोल मंदिर तक भी वो नहीं जा पाएंगे, उसको भी हमने जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद दिया था, धन्यवाद दिया था। अब यहाँ पे पर हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कि जैसा राजेश जी ने भी कहा कि जब हम ये इस बात का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि बाघ जो है वो मानवीय इलाकों में घुस गया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मानवीय इलाके जंगल में घुसते जा रहे हैं, जंगल कम होता जा रहा है, हर जगह सड़कें जंगल में घुसती जा रही हैं, इलीगल टूरिज्म एक तरफ, तो दूसरे देशों में होड़ चल रही है कि टूरिज्म इकोलॉजिकल इको फ्रेंडली टूरिज्म हो, हमारे यहाँ तो अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि लीगल और इलीगल टूरिज्म में युद्ध छिड़ा हुआ है, इको टूरिज्म तो बहुत पीछे छूट गया। जी जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक बाघ को लगभग 50-70 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, और सरिस्का में आज मैं देखूं तो गिनती के हिसाब से लगभग 40 शावकों को मिला के लगभग 40 बाघ हैं, लगभग 55 लेपर्ड हैं, जिनको फिर 30 से लेके 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, तो आप ये सोचिए कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा। समाचार पत्रों में भी मैं देख रहा था कि जो अगेन जो शब्दावली यूज हुई है वो ये है कि नरभक्षी बाघ भाग गया, वो बाघ अगर नरभक्षी होता तो जो पहला जिस रेलवे कर्मचारी पे हमला हुआ वो नहीं बच पाता, ये बाघ जो है, हर बाघ जो हमला कर देता है उसको नरभक्षी की श्रेणी में नहीं डालना चाहिए, ना वो वैज्ञानिक मापदंड है। तो हमें सबसे पहले तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके सोल को समझना पड़ेगा, किस प्रकार से इलीगल रिजॉर्ट वहां धड़ल्ले से चल रहे हैं, किस प्रकार निजी वाहन अभी भी, तो इससे सारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है बाघों का और जो दूसरे जानवरों का भी है। सरिस्का पे आप देखिए इतना ज्यादा बोझ है इस समय, और इसलिए तो राजस्थान सरकार को, जितनी भी सरकार है उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एक समय वहां शून्य बाघ से ले गया 40 संख्या हो गई, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे क्या हम इकोलॉजिकल टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि बेचारे जो सारे स्पीकर्स ने पहले भी कहा कि वोटर नहीं है, मैं तो इससे एक बात आगे बढ़ के कहूंगा कि हमारी सरकारें जो है वो तो वोटर्स का ध्यान भी नहीं रखती हैं। आप पर्यावरण के मुद्दे पे देखिए तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो जल जंगल जमीन पर्यावरण के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से पूरे देश को हर साल 80 बिलियन यूएस डॉलर्स और ना जाने कितनी जीवन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाँ, उस पे कितने मैनिफेस्टो में जिक्र था क्या जंगल जल जंगल जमीन या पर्यावरण का, नहीं था। तो ये बात सिर्फ वोटर्स या उन प्रजातियों की नहीं है जो वोट नहीं करती, ये एक ऐसे विकास की अवधारणा का जिसमें समग्र चिंतन हो, पर प्रकृति को के मूल्यों को वैज्ञानिक मूल्यों को केंद्र में रख के जो विकास की अवधारणा लिखी जाए, जो हमारे टूरिज्म की अवधारणा लिखी जाए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं तो समय लालच के इर्द गिर्द विकास की अवधारणा लिखी जा रही है, टूरिज्म लिखा जा रहा है, वो विनाश की अवधारणा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मनु जी और सुनियान जी से इस पर मैं चाहूंगी चर्चा करना कि जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि हम पर्यटन पर तो बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण इसमें कहीं पीछे छूट जा रहा है। क्या बाघों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या जो जिस तरीके से क्षेत्रों में बदलाव किया जा रहा है, क्या ये एक वजह हो सकता है इसके पीछे? देखिए मनु जी को भी सुना मैंने, राजेश जी को सुना बड़े हाँ, अच्छे से पिछली बार हाँ, भी आप लोग साथ में थे मेरे हाँ, हाँ, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि आपको ये तय करना चाहिए कि भाई ये जो जंगल है हाँ, ये आपको किस लिए बचाने हैं, क्या टूरिज्म के लिए बचाने हैं या आपको एनवायरमेंट के लिए बचाने हैं। तो पहला तो प्रश्न ये होगा, तो प्रायोरिटी उससे तय हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए बात ये हो रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि टूरिज्म खराब है, टूरिज्म खराब है जबकि इको टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म खराब है जबकि आपका रिजोर्ट जो है वो जंगल में घुस जाता है, कॉरिडोर पे चला जाता है, उसका कैचमेंट एरिया में बन जाता है, तब खराब है। वरना अगर रिजोर्ट अगर प्रॉपरली बनता है तो नुकसान नहीं है। इको टूरिज्म को प्रमोट करना नुकसान नहीं है, अच्छी बात है, खराब नहीं है कतई, लेकिन व्यवस्थित कैसे हो। अब मुद्दा इस बात का है कि जैसे पहले भी कहा मनु जी ने भी कहा, अब अगर एरिया ही कम होता चला जाएगा तो कैसे होगा। राजेश जी ने बहुत अच्छी बात उठाई कि एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, गांव की शिफ्टिंग नहीं हो रही है। विलेज शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही है, रुकी हुई है एक जमाने से। अलग से इसके लिए एक डीएफओ और उसके साथ पैराफर्नेलिया तय किया हुआ, अनफॉर्चुनेटली पोस्ट खाली रहती है, उसको संसाधन नहीं मिलते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका सहयोग नहीं करता, सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए कि जंगलात में अधिकारी हैं, कानून है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होता है, वहां की पुलिस चाहिए, एसडीएम का सहयोग चाहिए, ये जिला प्रशासन करता है। बिल्कुल अगर सही वो नहीं करता तो काम आगे बढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा कहना बहुत साफ तौर से है हाँ। एक और चीज है जो मैं इस समय शेयर करूंगा अपने साथ के पैनलिस्ट के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सा ऐसा एरिया है जो एरिया गोचर के रूप में हुआ करता था, जो इससे लगा हुआ एरिया है, जहाँ गांव वालों के लिए जमीन इसलिए खाली थी फैलो लैंड कि उसपे वो अपनी मवेशी को चराए, लेकिन जब वो उसमें एनक्रोचमेंट हो गया, किसी ने नहीं देखा तो वो मवेशी खुश होकर कहाँ चली गई, जंगल के अंदर चली गई। तो फिर वो जंगल जो मैंने बताया था वो 40% जंगल कम हो गया, एनिमल कहाँ जा गया, स्पिल होके बाहर निकलेगा। तो इन इश्यूज को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। एनक्रोचमेंट हैज टू बी गिवन द फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी। वो किसी भी रूप में एनक्रोचमेंट हो, चाहे रिजोर्ट के रूप में हो, चाहे ट्रैफिक के रूप में हो, ठीक है। चाहे आपके गांव वालों के जो हटमेंट्स बने हुए उसके रूप में हो, ग्रेजिंग के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। इस पर एक बार नरेंद्र सिंह जी को जोड़ना चाहूंगी मैं जी, इस पर मैं नरेंद्र जी को जोड़ना चाहूंगी। नरेंद्र जी, आपने सुना सुनयान शर्मा ने जिस तरीके से सभी बातों को लेकर सहमति भी जताई है कि पर्यावरण को देखते हुए पर्यटन पर फोकस करने की जरूरत है, इससे ये समस्याएं कम होंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि विभाग की तरफ से, वन विभाग जो है और सरकार की तरफ से, क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए ताकि इंसानी बस्ती से जो बाघ है वो जाने से बचे, या फिर जो खतरा इससे बढ़ रहा है उस पर अंकुश लग सके। मैं सुनील शर्मा जी की बात से 100% सहमत हूँ हाँ, लेकिन हाँ। इसके अलावा मेरी एक और थिंकिंग है कि स्टाफ वालों की तरफ से मॉनिटरिंग हाँ। प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है हाँ, हाँ, हाँ। ये मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए हाँ। दूसरे मैं चाहता हूँ सरिस्का पैलेस को टेक ओवर करके हाँ। इसको वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करना चाहिए हाँ। ताकि देहरादून जैसी एक यूनिटर में स्थापित हो और सरिस्का का नाम देश विदेश में और भी फैले। गोचर भूमि का जहां तक सवाल है, गोचर भूमि तो लोगों ने छोड़ी ही नहीं गांव में, 100% एनक्रोच में है, चाहे खेती के हिसाब से चाहे रहने के हिसाब से। तो उसका जो 54,000 वो किलो वो है एकड़ हाँ। उस जमीन का इंतकाल जंगलात के नाम से दर्ज होना चाहिए तुरंत, इसमें लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इसमें देरी हो रही है, उसको तुरंत वाइल्ड लाइफ के नाम से ट्रांसफर हो जानी चाहिए वो जमीन, ताकि वाइल्ड लाइफ वालों का उसमें दखल होने लगे और पोचिंग रुके और बाघों के विस्थापन की समस्या भी है, उसमें भी समस्या आ रही है।
ठीक है सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं राजेश जी से भी ले लेती हूँ, समय थोड़ा कम है। राजेश जी, संक्षेप में बताइए किन बिंदुओं पर इस वक्त फोकस करने की जरूरत है? हमने चर्चा की और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ जरूरत है अभी करने की, आप जरा संक्षेप में बताइए कौन से ऐसे दो बिंदु हैं जिस पर इस वक्त वन विभाग और सरकार दोनों को फोकस करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद, सबने अच्छी बात कही है पर्यावरण बचाने के लिए। सही पूछो, केवल एक लोगों को समझाने की जरूरत है कि टाइगर पर्यटन के लिए नहीं है, टाइगर अरावली को बचाने के लिए, बायोडायवर्सिटी को केवल टाइगर बचाता है, इसलिए टाइगर जरूरत है। टाइगर केवल टूरिस्ट को देखने के लिए जरूरत नहीं है। ये बात लोगों के जब समझ में आएगी कि टाइगर जब ऊपर वहां रहता है तब ही धोख ऊपर सर्वाइव करता है, और धोख सर्वाइव करता है तो अरावली बैठने से बचेगी, वरना अभी तो जमीन में कब्जा है, वरना अरावली भी नीचे बैठ रही है लगातार। उस बात पर भी इनको ध्यान देना चाहिए और केवल मॉनिटरिंग इस पे सख्त हो। और सही में जिस प्रकार की फर्जी लीक प्रकरण में एसओजी जांच कर रही है, इसी तरह की एक जांच इस पे भी बैठनी चाहिए कि ये एनक्रोचमेंट किस तरह के लोगों ने किया है, बड़े सख्त किया है, उन लोगों को सख्त सजा मिले जो इन लोगों ने यहाँ रह करके जिनका काम था जंगल बचाने का और उन्होंने जंगल का जो है दोहन किया है और जंगल का सत्कार किया है, इसको अतिक्रमण जो करा है, उन लोगों के खिलाफ एक बार जांच हो जाएगी तो आगे आने वाले समय में ये पूरा सरिस्का बच पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से इस चर्चा में हमने सभी बिंदुओं पर बातचीत की है और निष्कर्ष यही निकला है कि जरूरत है इस वक्त सरकार को और वन विभाग को भी कि पर्यावरण पर भी फोकस करें पर्यटन के अलावा, तभी ऐसी घटनाएं कम होंगी और इस पर रोक लग पाएंगी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।